वो है आपका एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इस पे आपके नीट बेस्ड जो है कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके तो देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में पहला क्या है, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। अब मिलेनिज्म क्या होता है आप जानते हैं? चलिए देख लेते हैं, मिलेनिन जानते हैं क्या होता है? मिलेनिन, देखिए मिलेनिन जो होता है ना, हमारे बॉडी में एक सेल पाई जाती है हमारे डर्मिस में, मिलेनोसाइट्स। ओके ये मिलेनोसाइट्स जो होती हैं वो मिलेनिन पिगमेंट का सिक्रेशन करती हैं। मिलेनिन जो होता है वो स्किन को डार्क बनाता है, स्किन डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके डार्क स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म क्या है एक्चुअली, देखेंगे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था 1850 से पहले की बात है, तो हमारा जो एयर था उसमें पॉल्यूटेंट्स बहुत कम थे। ठीक है, तो उस समय जो है बेसिकली दो तरह के मॉथ पाए जाते थे। मॉथ जो है एक तरीके ये एक क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं, तो एक था आपका ब्लैक मॉथ और दूसरा था क्या, व्हाइट मॉथ। ठीक है, तो देखेंगे तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, औद्योगिकरण नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां नहीं थी, तो पॉल्यूशन का लेवल बहुत ही कम था। तो उस समय जो व्हाइट जो ट्री का ट्रंक हुआ करता था, पेड़ का जो तना हुआ करता था, उस ट्री का ट्रंक जो था वो व्हाइट कलर होने की वजह से इस पे व्हाइट कलर्ड मॉथ जो थे वो आसानी से छिप जाते थे, जबकि ब्लैक वाले जो है जब उस पे बैठते थे तो आसानी से बर्ड्स के द्वारा स्पॉट कर लिए जाते थे, देख लिए जाते थे। तो बर्ड्स जो है वो ब्लैक मॉथ को खाने लगी, तो उस समय ब्लैक मॉथ की संख्या कम थी और व्हाइट मॉथ की संख्या ज्यादा थी। ठीक है, लेकिन जब 1850 के बाद जो है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, तो इंडस्ट्रीज जैसे जैसे बढ़ती गई, पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ता गया, और जो इंडस्ट्री से निकले हुए कार्बन थे वो सारे डिपॉजिट हो गए ट्री के ट्रंक पर, और ट्री का ट्रंक जो है वो डार्क हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो ब्लैक कलर्ड मॉथ था अब वो आसानी से इस पेड़ के तने पर बैठता था तो छिप जाता था, और व्हाइट वाला जब बैठता था तो आसानी से दिखाई देता था, यानी स्पॉट कर लिया जाता था। फिर बर्ड्स ने क्या किया, व्हाइट मॉथ को खाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसका प्रेडेशन शुरू कर दिया, तो ब्लैक मॉथ की संख्या बढ़ गई। फिर 1900 में जब इलेक्ट्रिक रिवोल्यूशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होने लगी, अब जो है कोल और पेट्रोलियम की जगह पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाने लगा, तो फिर से जो है पॉल्यूशन का लेवल जो है कम हुआ। तो उस समय फिर से क्या हुआ, फिर से व्हाइट मॉथ जो है वो डेवलप कर गए, जबकि ब्लैक मॉथ जो है वो आसानी से स्पॉट कर लिए गए, और प्रेडेट उनको जो बर्ड्स हैं प्रेडेशन के द्वारा उनकी संख्या क्या होने लगी, कम होने लगी। तो यही है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। तो देखिएगा पॉइंट इसमें, दिस फिनोमिनन वाज स्टडीड बाई बर्नार्ड कैटलवल। अब देखिएगा यही पॉइंट वाइज है आपका जो मैंने अभी आपको समझाया। देखिएगा, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द डली ग्रे फॉर्म ऑफ पेपर्ड मॉथ, जिसका नाम था बिस्टन बेटुलेरिया, वर डोमिनेंट। तो जो ग्रे कलर के थे, व्हाइट कलर के थे यानी लाइट कलर के थे, उसका नाम था बिस्टन बिटुलेरिया, और जो डार्क कलर का था वो बिस्टन कार्बोनेरिया था। वर डोमिनेंट ज्यादा थे, एंड द कार्बोनेरिया फॉर्म दैट इज ब्लैक फॉर्म वाज रेयर बिकॉज इट वाज ससेप्टिबल टू प्रेडेशन बाय द बर्ड्स। तो चूंकि शुरुआत में जो है ब्लैक कलर्ड मॉथ जो थे या बिस्टन कार्बोनेरिया जो था वो आसानी से बर्ड्स के द्वारा पहचान लिया जाता था और शिकार हो जाता था, तो उसकी संख्या क्या थी, कम थी, और व्हाइट वाले डोमिनेंट थे। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रिजल्टेड इन लार्ज स्केल स्मोक विच गॉट डिपॉजिटेड ऑन द ट्री ट्रंक टर्निंग देम ब्लैक। तो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, ढेर सारी इंडस्ट्री लगने लगी
औद्योगीकरण होने लगा, तो उस दौरान क्या हुआ, बहुत ज्यादा अमाउंट में स्मोक धुआं जो है निकलने लगा, तो वो सारे कार्बन जो है वो सारा स्मोक जो है ट्री ट्रंक पर जाकर डिपॉजिट हो जाता था, तो पेड़ का तना जो था वो आपका ब्लैक पड़ गया, काला पड़ गया। नाउ ग्रे वैरायटी बिकम्स ससेप्टिबल एंड द ब्लैक फॉर्म फ्लोरिश्ड, तो उस ब्लैक कलर्ड में ब्लैक कलर्ड मॉथ जो था वो कैमोफ्लाजिस होकर के छिप जाता था, जबकि व्हाइट कलर जब ब्लैक कलर के ऊपर बैठता था, ब्लैक ट्री ट्रंक के ऊपर बैठता था, तो आसानी से बर्ड्स के द्वारा क्या किया जाता था, पहचान लिया जाता था। तो उसकी संख्या कम हो गई ग्रे की, और ब्लैक की संख्या फिर से फ्लोरिश करने लगी। रिप्लेसमेंट ऑफ कोल बाई ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी, बाद में कोल का रिप्लेसमेंट जो है वो ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी से जब हुआ, तो जो कार्बन का प्रोडक्शन था, स्मोक का प्रोडक्शन था, वो घट गया। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक मॉथ, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रे मॉथ इंक्रीज अगेन। तो फिर से जब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल रिवोल्यूशन आया, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट होने लगी, तो फिर से ब्लैक कलर्ड मॉथ जो थे उनकी संख्या कम होने लगी और ग्रे कलर जो थे वो फ्लोरिश कर गए। नेक्स्ट देखेंगे ड्रग रेजिस्टेंस, ये भी नेचुरल सिलेक्शन का ही पॉइंट है। ड्रग रेजिस्टेंस, द ड्रग which eliminate pathogen become ineffective in the course of time because those individuals are pathogenic species which can tolerate them survive flourish to produce tolerant population। देखिए जब किसी भी ड्रग्स या केमिकल का उपयोग हम लगातार करते रहते हैं, किसी इंसेक्ट को किल करने के लिए या उसकी संख्या को कम करने के लिए, तो वो ड्रग अगर आप बार बार यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर स्पीसीज जो है उस इंसेक्ट की उस पर्टिकुलर केमिकल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं मॉस्किटो, मॉस्किटो का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे पहले आप क्या करते थे, कई सारे मॉस्किटो को भगाने के लिए कॉयल यूज करते थे, फिर समय समय पे हमने क्या किया, मोड्स को चेंज करते रहे, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर केमिकल के अगेंस्ट या ड्रग्स के अगेंस्ट वो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, कुछ समय में रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेता है। अगला देखेंगे सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया, सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया, इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया डाई एट एन अर्ली एज। तो जो सिकल सेल एनीमिया के लिए जो पर्सन होमोजाइगस कंडीशन में जिनमें पाया जाता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया के लिए जो है, जैसे हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए प्रोटीन आपका जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऐसे ही सिकल सेल एनीमिया के लिए जैसे मान लीजिए नॉर्मल एस है, कैपिटल एस है, तो ये नॉर्मल है, लेकिन सिकल सेल एनीमिक है तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है, स्मॉल एस कैपिटल एस स्मॉल एस या स्मॉल एस स्मॉल एस, तो ये स्मॉल एस जो होगा ये सिकल सेल एनीमिक होगा, यानी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है, तो उस पर्सन का जो आरबीसी का शेप होता है वो सिकल शेप का हो जाता है, हसिया के आकार का हो जाता है, और वो उसकी डेथ जो है काफी अर्ली एज में हो जाती है। इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल द सेल्स कंटेनिंग एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन दैट इज सिकल शेप्ड, तो जो हेट्रोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या, जैसे कैपिटल एस कैपिटल एस ये होमोजाइगस है बट ये नॉर्मल जीन है, मान लीजिए कैपिटल एस स्मॉल एस ये जो है ये हेट्रोजाइगस कहलाता है, हेट्रोजाइगस, और स्मॉल एस होगा तो ये होमोजाइगस रिसेसिव कहलाता है, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो यस जो है ये शेप ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है,
शेप ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है। तो कैपिटल एस जब होगा तो नॉर्मल शेप मेंटेन करेगा, तो कैपिटल एस क्या होगा, नॉर्मल मेंटेन करेगा, ठीक है। लेकिन कैपिटल एस के साथ स्मॉल एस आ गया, यानी ये हेटरोजाइगस है, इसमें पर्सन का जो आरबीसी का शेप होगा वो सिकल शेप्ड हो जाएगा, और स्मॉल एस भी सिकल शेप्ड होगा, लेकिन ये होमोजाइगस कंडीशन में है, ये ज्यादा खतरनाक होता है। इनफैक्ट व्हेन एन आरबीसी बिकम सिकल शेप्ड, इट किल्स द मलेरियल पैरासाइट इफेक्टिवली, सो दैट दीज इंडिविजुअल्स आर एबल टू कोप अप विथ मलेरिया इन्फेक्शन मच बेटर देन नॉर्मल पर्सन। तो देखिएगा, जो पर्सन सिकिल सेल एनीमिया से सफर करता रहता है, उसको मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया का जो कॉजिटिव एजेंट है ये आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है। जो पर्सन सिकल सेल एनीमिया से ऑलरेडी सफर कर रहा होगा उसको मलेरिया नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सिकल सेल एनीमिया ओवर द मलेरिया? तो जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होगा, चूंकि उसका शेप आरबीसी का शेप ऑलरेडी सिकल शेप्ड हो चुका है, हंसिया के आकार का, अब इसके अंदर वो प्लाज्मोडियम सर्वाइव ही नहीं कर पाता है, तो इसको डेथ हो जाती है। तो इसलिए जो पर्सन सिकल सेल एनीमिया से सफर कर रहा होता है उसको मलेरिया नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दस मेंटेन्स द एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन अलोंग विद द नॉर्मल फॉर्म इन अ रीजन वेयर मलेरिया इज कॉमन। तो जहां पे मलेरिया ज्यादा कॉमन है, यानी साउथ अफ्रीका रीजन में या अदर कंटिनेंट्स में, वहां पे क्या होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के साथ सिकल सेल सेब का हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, जो मलेरिया प्रोन एरिया होता है, जहां पे मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगला नेचुरल सिलेक्शन देखेंगे, मलेरिया एंड G6PD, दैट मीन्स G6PD डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। तो देखिएगा, G6PD डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी, ये पूरा टर्म है, G6PD डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी इज कॉमन एबनॉर्मलिटी इन नेग्रोइड्स, ये नेग्रोइड्स में ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, यानी ब्लैक पीपल्स में ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। रेस होता है ह्यूमन बींग का, ब्लैक रेसेस कहलाते हैं, निग्रो, निग्रो का मतलब होता है ब्लैक। हीमोग्लोबिन गेट डीनेचर्ड एंड इज डिपॉजिटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन। तो उसका हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, डीनेचर्ड हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। द डिजीज इज कॉल्ड द फेविज्म, इस डिजीज को हम फेविज्म बोलते हैं। इन दीज आरबीसी सर मलेरियल मैं पैरासाइट कैन नॉट कंप्लीट। निग्रो, निग्रो नहीं जानते हो, निग्रो का मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक पीपल जो होते हैं ना अफ्रीका वाले, तो उनको निग्रो बोला जाता है, सर निग्रो। जैसे ह्यूमन, जैसे पढ़ते ना, स्पीसीज होती है, वैरायटी होती है, ठीक है, तो ह्यूमन में भी वैरायटी है ना, वेरिएशन है थोड़ा सा ऑन द बेसिस ऑफ कलर, तो उनको रेसेस बोलते हैं हम, RACES, रेस। तो ऐसे पर्सन जिनमें G6PD डिहाइड्रोजिनेट की डिफिशियंसी होगी, उसमें मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है। बट अपनी माइक ऑफ कर लो। सच पर्सन गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम मलेरिया, तो ऐसे पर्सन को क्या होता है, मलेरिया से प्रोटेक्शन मिल जाता है, यानी G6PD डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशियंसी होगी अगर, तो उसको मलेरिया नहीं होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे नेचुरल सिलेक्शन, अब है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, यानी जो मैन ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर
वो क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाएगा। जो ह्यूमन इंटरफेरेंस से इंटरफेयर्ड हो वो क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल तो वो तो नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, आर्टिफिशियल यानी ह्यूमन इंटरेक्शन के द्वारा क्या होता है? प्रभावित होता है। मैन हैज बीन टेकिंग द एडवांटेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट एंड एनिमल। तो हमारे पास क्या है? एडवांटेज है, हम जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करके हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं किसका? डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स का एंड एनिमल्स का, जिन फसलों की हम खेती करते हैं और ऐसे जानवर जिनको हम पालते हैं या जिनसे हमको फायदा होता है, तो उसके जीनोम में हम क्या कर रहे हैं? चेंजेज ला करके अपने फायदे के लिए उसको क्या कर रहे हैं? अल्टर कर दे रहे हैं। ही सेलेक्ट द इंडिविजुअल्स विथ डिजायर्ड कैरेक्टर एंड सेपरेट देम फ्रॉम दोज विच डू नॉट हैव सच कैरेक्टर। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे सीड की सोइंग करनी हो, फसल की बुआई करनी हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? जो आपका प्रोडक्टिविटी लास्ट ईयर हुआ रहता है उसमें से सीड को आप क्या करते हैं? बेहतर सीड को सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी खराब को क्या करते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये आपके द्वारा सेलेक्ट किया गया ना, तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन होगा। तो हम क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करते हैं जिसके पास डिजायर्ड कैरेक्टर हो, जो हमको चाहिए, हम ऐसे इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं और बाकी सबको क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। द सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स आर इंटरब्रीड, और जो सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स होता है उसका सेम ब्रीड से हम क्या करते हैं? क्रॉस करा देते हैं। दिस प्रोसेस इज टर्म एड आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड दिस प्रोसेस इज मैन मेड। तो इसी को हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं, जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग जो डिजायर कैरेक्टर रखता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। इफ इट इज रिप्रेजेंटेड फॉर मेनी जनरेशन इट प्रोड्यूसेस द न्यू ब्रीड विथ डिजायर्ड कैरेक्टर। और यही प्रोसीजर जो है बार बार अगर दोहराया जाए कई जनरेशन तक, तो जो जनरेशन आती है वो नई ब्रीड तैयार हो जाती है जिसके अंदर वो डिजायर्ड कैरेक्टर होते हैं जो हमको चाहिए होते हैं। बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन एनिमल ब्रीडर्स आर एबल टू प्रोड्यूस द इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक डॉग। जैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रोसीजर के द्वारा हमने क्या किया है, कई सारे एनिमल स्पीसीज में क्या किया है? चेंजेस किए हैं। तो हम क्या करते हैं, नई ब्रीड या नई वैरायटी डेवलप करते हैं। तो उसमें डॉग आता है, हॉर्स है, पिजन्स है, पाउल्ट्री है, काऊ है, गोट है, सीप एंड पिग्स फ्रॉम दियर वाइल्ड एंसेस्टर। उनके वाइल्ड एंसेस्टर से हम क्या करते हैं, उनके अंदर कई सारे चेंजेज लाते हैं। जैसे देखिए कुत्ते बिल्लियों की हर साल जो है कुछ ना कुछ नई वैरायटी डेवलप हो जाती है, नई ब्रीड आ जाती है जो कि आपने इसके पहले कभी देखा ही नहीं होता है। ओके okay? यस सर। द प्लांट ब्रीडर्स हैव ऑब्टेन्ड इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ यूजफुल प्लांट्स लाइक द व्हीट, राइस, सुगर केन, कॉटन, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। तो यही काम प्लांट ब्रीडर जो होते हैं वो प्लांट के लिए करते हैं। तो ऐसे प्लांट को सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर वो डिजायर्ड कैरेक्टर होते हैं और उनको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, उसी से आगे चल करके नई वेराइटी या ब्रीड डेवलप करते हैं। जैसे धान की, गेहूं की, गन्ने की, कॉटन की, दाल की नई वैरायटी डेवलप होती है जिसका उत्पादन जो होता है यानी प्रोडक्टिविटी जो होता है वो ज्यादा होता है और वो डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ होती है। जैसे इसी प्रोसीजर के द्वारा तो हम धान गेहूं की नई नई वैरायटी डेवलप करते हैं। जैसे पहले देखेंगे जो वाइल्ड वैरायटी का टोमेटो होता था हमारे पास, टमाटर होता था ना, तो पहले जो टोमेटो हुआ करते थे उनकी जो मेम्ब्रेन थी वो काफी थिन था और उसके अंदर जूस या पल्प बोल सकते हैं वो ज्यादा था
मोर सीड, सीड इसके अंदर बहुत ज्यादा हुआ करते थे और मेम्ब्रेन थिन होती थी तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं थी। तो फिर क्या किया प्लांट ब्रीडर ने, कुछ वाइल्ड वैरायटी को सेलेक्ट किया जिसकी थिकनेस ज्यादा हो, कुछ का न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी जो है, तो उसको इंटरब्रीड करा के उन्होंने एक नई वैरायटी डेवलप की जो टोमेटो जो है जिसका आउटर लेयर जो होता है वो थिक होता है, ठीक है, जूस या पल्प जो होता है वो कम पाया जाता है, सीड्स जो होते हैं वो भी कम होते हैं, ठीक है, और थिक होने की वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अब जो है आप इस टमाटर को हफ्तों हफ्तों तक स्टोर कर सकते हैं, दो चार छह दिन तक स्टोर कर सकते हैं आप, और ये एज इट इज पड़ा रहता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज सिमिलर टू द नेचुरल सिलेक्शन एक्सेप्ट दैट द रोल ऑफ नेचर इज टेकन ओवर बाय द मैन एंड द कैरेक्टर सिलेक्टेड आर ऑफ ह्यूमन यूज। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी नेचुरल सिलेक्शन के जैसा ही है, लेकिन वहां नेचर सेलेक्ट करता है, यहाँ ह्यूमन बींग सेलेक्ट करते हैं, और जो कैरेक्टर्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं हम उन्हीं कैरेक्टर को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। The breeders have carefully produced the toy-like Shetland pony and the Dane dog, the sleek Arabian race horse by selection. तो जो breeders हैं उन्होंने कई सारे जैसे Shetland pony वैरायटी है, डेन डॉग एटसेट्रा ये जानवरों की वैरायटी है, उसको इन्होंने तैयार किया, स्लीक अरेबियन रेस हॉर्स तैयार किया इसी सिलेक्शन प्रोसीजर के द्वारा। मेनी क्रॉप प्लांट लाइक द ब्रोकोली, केल, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रुसेल स्प्राउट एंड कोहिरबी have been produced through the selective breeding. तो इसी selective breeding के द्वारा जो है हमने कई सारे crop plants तैयार किए हैं, तो kale cabbage है, broccoli है etc, cauliflower हो गया। The various breed of fowl मतलब पक्षी जो होते हैं, ठीक है, पक्षियों की कई सारी variety ranging from the सेरिमोनियल कॉक, जापानीज ओनेगोडोरी टू द ब्रॉयलर, लेग हॉर्न्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द सिंगल जंगल फाउल दैट इज गैलस गैलस। तो जैसे ब्रॉयलर हो गया, लेग हॉर्न हो गया, इन सबको हमने कैसे तैयार किया है, एक वाइल्ड वैरायटी जंगल वैरायटी थी, गैलस गैलस पक्षी था, इसी से हमने इनको तैयार किया है। नेक्स्ट देखेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखिएगा क्या होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज द prevention of interbreeding between the population of two different or closely related species. तो दो different closely related species या population के बीच में आपस में क्रॉस ना होने पाए, तो वही प्रोसीजर कहलाता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। It maintains the character of species but can lead to but cannot lead to the origin of new species.
द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज एक्सप्लेन्ड बाई स्टेबिन्स इन हिज बुक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो कैसे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट किया जा सकता है उसको स्टेबिन्स ने अपनी बुक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में लिखा हुआ है। टू मेन सब टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आर, पहला है प्रीमेटिंग आर प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन, प्रिवेंट मेटिंग और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो प्रीमेटिंग यानी मेटिंग से पहले, मेटिंग क्या होता है, या प्रीजाइगोटिक यानी जाइगोट से पहले, तो जाइगोट कब बनेगा, जब मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, तो यानी गैमेट के फॉर्मेशन से पहले ही आप क्या करिए उसको आइसोलेट कर लीजिए। तो पहला क्या है, इकोलॉजिकल आइसोलेशन। टू स्पीसीज लिव्स इन द डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डू नॉट मीट। तो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, तो उनके बीच में मेटिंग पॉसिबल नहीं होती है, दैट मीन्स दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। वन मे बी लिविंग इन द फ्रेश वाटर एंड अदर इन द सी वाटर। जैसे मान लीजिए कि कोई स्पीसीज, उस स्पीसीज का मेंबर जो है कोई फ्रेश वाटर में रह रहा है, कोई मराइन वाटर में रह रहा है। दूसरा है टेम्पोरल आइसोलेशन, ब्रीडिंग सीजन और फ्लावरिंग टाइम्स मे बी डिफरेंट इन टू स्पीसीज। दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्रॉस क्यों नहीं पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स के केस में दोनों स्पीसीज में क्या हो रहा है, फ्लावरिंग का टाइम ही अलग है। किसी में फ्लावरिंग पहले हो जा रही है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले डेवलप कर जाता है, किसी में बाद में फ्लावरिंग होती है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाद में डेवलप करता है, तो दोनों में गैमेट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। अगला है बिहेवियरल आइसोलेशन, द मेल्स ऑफ एनिमल स्पीसीज आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज द फीमेल ऑफ अनदर स्पीसीज एज अ पोटेंशियल मेट। तो एक स्पीसीज का मेल किसी दूसरी स्पीसीज के फीमेल को पहचानने में, मतलब पहचान नहीं पाता है, इसलिए उनके बीच में आपस में मेटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। मैकेनिकल आइसोलेशन, द स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन जेनेटेलिया ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट एनिमल स्पीसीज इंटरफेयर विद मेटिंग। तो मैकेनिकल आइसोलेशन क्या होता है, जैसे दो स्पीसीज के बीच में मेटिंग क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि दोनों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की लोकेशन अलग अलग रीजन में होती है। तो इसलिए जो ऑर्गन होता है वो इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। गैमेटिक आइसोलेशन देखिएगा, द स्पर्म एंड ओवा ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर अनेबल टू फ्यूज। दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर के स्पर्म एंड ओवा आपस में फ्यूज नहीं कर सकते हैं। इन प्लांट्स द पॉलन कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज मे बी रिजेक्टेड बाय द स्टिग्मा। यानी जैसे प्लांट के केस में जो होता है, जब पॉलन ग्रेन आता है किसी मिसमैच प्लांट का दूसरे प्लांट का, तो इस पर्टिकुलर स्पीसीज का जो प्लांट होता है उसका स्टिग्मा उस पे पहुंचे पॉलन ग्रेन को क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इस वजह से उनमें मेटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। नेक्स्ट देखेंगे पोस्ट जायगोटिक आइसोलेशन, अ हाइब्रिड जायगोट इज फॉर्म बट इट मे नॉट डेवलप इनटू अ वाइबल फर्टाइल एडल्ट। तो हाइब्रिड जायगोट का फॉर्मेशन जो होगा होने के लिए हो जाए, एंड इट मे नॉट डेवलप इनटू द वाइबल फर्टाइल एडल्ट, लेकिन वो जायगोट जो होगा आगे चल करके फर्टाइल एडल्ट में नहीं कन्वर्ट होने पाएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हाइब्रिड इनवाइबिलिटी, हाइब्रिड जायगोट फेल्ड टू डेवलप इन प्लांट्स एम्ब्रियोज अराइजिंग फ्रॉम इंटर स्पेसिफिक क्रॉस एबॉर्ट। तो जैसे प्लांट में किसी दूसरी स्पीसीज का मान लीजिए पॉलन ग्रेन जो है उसके ओवा तक पहुंच जाए,
एक तक पहुंच जाए, ओव्यूल तक पहुंच जाए और उसको फर्टिलाइज कर दे, तो फिर वो एबॉर्ट कर जाता है, सरवाइव नहीं करता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड एडल्ट डू नॉट प्रोड्यूस द फंक्शनल गैमेट। तो जो हाइब्रिड एडल्ट होते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनाए जाते हैं, वो फंक्शनल गैमेट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूल एंड हिन्नी आर द कॉमन एग्जाम्पल। जैसे फीमेल हॉर्स और मेल डंकी का जो क्रॉस होता है वो म्यूल होता है। फीमेल हॉर्स का क्रॉस मेल डंकी से जब होता है तो वो म्यूल कहलाता है। और हिन्नी जो है यह है मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी। इन दोनों का जब क्रॉस कराया जाता है तो आपको क्या मिलता है? हिन्नी। जैसे म्यूल खच्चर जानते हैं ना, उसी की तरह दिखने वाली हिन्नी भी होती है और किसी काम की नहीं होती है, मतलब कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं होता इसका। इन मैमल्स सेवरल हाइब्रिड ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर स्टराइल। तो सॉरी, इन मैमल्स इसके पहले था सेवरल हाइब्रिड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जैसे कई सारे सजावटी पौधे होते हैं ना जिनको आप सुंदरता के लिए लगाते हैं, तो वो सारे कई सारे प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं बट दे आर स्टराइल, मतलब वो गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो हाइब्रिड देखिएगा, जैसे कुछ एक्सेप्शन है आर्टिफिशियल लाइनस एंड एशियन टाइगर के क्रॉस से टाइगन बनता है, मेल लॉयन एंड फीमेल टाइगर इससे लाइजर बनता है, पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस। नेक्स्ट देखेंगे मलार डक एंड पिंटेल डक, ऐसे इन दोनों का क्रॉस होता है। नेक्स्ट है आपका पोलर बियर एंड अलास्कन ब्राउन बियर, इनके बीच का क्रॉस हो गया प्लेटी फिश, स्वॉर्ट टेल फिश। ऑफस्प्रिंग विच ऑब्टेन फ्रॉम द ऑल दीज हाइब्रिडाइजेशन आर फर्टाइल बट दीज स्पीसीज डू नॉट इंटरब्रीड नेचुरली। तो ये जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं इनके द्वारा, ये एक्सेप्शन है, तो हाइब्रिड होने के बावजूद ये फर्टाइल होते हैं लेकिन ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, मतलब सेम स्पीसी सेम ब्रीड के बीच में क्रॉस नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हाइब्रिड ब्रेकडाउन। सम टाइम इंटर स्पेसिफिक मेटिंग प्रोड्यूसेस अ हाइब्रिड विच गिव राइज टू द नेक्स्ट हाइब्रिड बाई बैक क्रॉस बट दे हैव रिड्यूस्ड द विगर और फर्टिलिटी और बोथ। तो या तो उनका साइज घट जाएगा अगर इंटर स्पेसिफिक मेटिंग करा देते हैं तो, या तो उनका साइज घट जाएगा या उनकी फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। ओके यस सर। नेक्स्ट देखेंगे जेनेटिक बेसिस ऑफ एडॉप्टेशन। देखिएगा जैसे वो लेडरबर्ग एंड एस्थर लेडरबर्ग सो द जेनेटिक बेसिस ऑफ एडॉप्टेशन बाई एक्सपेरिमेंटिंग ऑन बैक्टीरिया। दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट। ये बेसिकली आप छोड़ दीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है।
हेलो सर, हाँ बेटे बताओ। हाँ टाइम तो ओवर हो गया है, इंग्लिश क्लास होने वाली है अगली क्लास। ठीक है बेटा, 2 मिनट में भी छोड़ दे रहे हैं। ठीक है इसमें लैमार्कियन व्यू देख लीजिएगा, पेनिसिलिन, अच्छा छोड़ दीजिएगा, ये उसी से रिलेटेड है। इसमें मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट होगा, मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, तो देख लीजिएगा इसमें 2 मिनट में, छोटा सा पॉइंट है। दिस थियरी इज द रिजल्ट ऑफ द वर्क ऑफ ए नंबर ऑफ साइंटिस्ट, नेमली डॉब जेंस्की, फिशर, हेल्डन, स्वाल, राइट, मेयर, स्टेबिन्स। तो ये थियरी जो है मॉडर्न सिंथेटिक थियरी, ये किसी एक साइंटिस्ट के द्वारा नहीं दी गई है, कई सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के इस थियरी को दिया है। स्टेबिन डिस्कस दिस थियरी इन हिज बुक द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड डॉब जेंस्की एक्सप्लेन इट हिज इन हिज बुक जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इस थियरी की बारे में डिस्कशन जो है, इस थियरी को स्टेबिन्स ने अपनी बुक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में डिस्कस किया है, और डॉब जॉन्स्की ने अपना इसका एक्सप्लेनेशन या इसके बारे में जो है अपनी बुक जेनेटिक्स एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, न्यू स्पीसीज कैन नॉट इवॉल्व बाय द प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन। तो इस थियरी के अकॉर्डिंग कोई भी नई स्पीसीज अलग अलग तरह के जीनोटाइप से नहीं बनाई जा सकती है। टू फैक्टर्स आर आल्सो रिक्वायर्ड, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इस बात के लिए क्या जरूरी होता है कि नई स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी होता है, एक तो नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नेचुरल सिलेक्शन गाइड्स डिफरेंट पॉपुलेशन टू द डिफरेंट एडाप्टेशन डायरेक्शंस एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन देम ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर्स लीड टू दीज डायरेक्शन टू द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो अलग अलग तरह के नेचुरल सिलेक्शन या अडोप्टेशन की वजह से ही आगे चल करके एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। इन दिस थियरी फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंक्लूडेड, कौन कौन से फैक्टर इंक्लूडेड हैं, एक है आपका जीन म्यूटेशन, दूसरा है चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, एंड तीसरा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन, फिफ्थ है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त फैक्टर्स, देयर आर टू मोर प्रोसेस विच कॉजेज द इवोल्यूशनरी चेंज। दीज आर, दो फैक्टर और होते हैं, क्या पहला क्या है, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह इंडिविजुअल्स के माइग्रेशन की वजह से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। पॉपुलेशन सर लिखा है हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, सॉरी फ्रॉम वन, सॉरी माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जब माइग्रेशन होता है तो उसका जीन पूल जो है वो टोटल चेंज हो जाता है। जीन पूल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। तो किसी भी पॉपुलेशन में अगर कुछ नए मेंबर ऐड हो जाएंगे तो उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उस पॉपुलेशन का, यानी जीन पूल जो है वो चेंज हो जाएगा, और वहां पे जाने के बाद नए इन्वायरमेंट में नई चीजें अडॉप्ट करने के बाद वो पर्टिकुलर स्पीसीज जो है कुछ समय के बाद एक नई स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन अमंग द स्पीसीज एंड आल्सो रिलेटेड जेनरा विच कॉजेज द जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, दो स्पीसीज के बीच में जो किसी एक ही जेनरा से बिलोंग करती हैं, उनका जीनस सेम हो लेकिन स्पीसीज अलग हो, उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो जेनेटिक वेरिएशन कॉज करता है। म्यूटेशनल थियरी जो है, ये म्यूटेशन थियरी जो है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कल, आज के लिए बस इतना ही। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।